हमारे चैनल आपका ढेर सारा स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो होने वाली है काफी ज्यादा स्पेशल, क्योंकि आपको दिख ही रहा है ये मेरे टेबल पे पड़ा है iPhone 10K के कंसेप्ट। सो आज ये वीडियो है मुझे बनाने के लिए स्पेशल। मैं ये बताऊंगा कि ये जो वीडियो है मैं जो बना रहा हूँ, आप लोगों का प्यार ही है जो आप लोगों ने मुझे इतने कमेंट किए और कहा कि भाई इस मोबाइल iPhone 10K के कंसेप्ट का मुझे रिव्यू कीजिए, कि वो देखना चाहे आप मुझे आप मेरे कमेंट्स मिले और मैंने पढ़े भी आपके कमेंट्स कि भाई मुझे इसका बैटरी, कैमरा, ये फ़ोन हैंग होता है नहीं होता, ये फ़ोन आयु ऐसा या नहीं, ये बहुत सारे क्वेश्चन थे। तो मैंने सोचा चलिए अब रिव्यू करते हैं। तो मुझे थोड़ा, वैसे मैं बुरा मत मानिएगा, मुझे काफ़ी टाइम लग गया, मुझे लगता है 15-20 दिन मैंने डिले हो गया, मगर एक्चुअली हुआ ये कि मैं आपको बता देता हूँ कि मैं ये चाहता तो मैं फ़ोन लेकर फटाफट आपको रिव्यू कर देता, बता देता, बहुत ही अच्छा फ़ोन है। तो ये तो मेरे साथ एक डिसऑनेस्टी होती है आपके साथ, तो मैं ये चाहता नहीं था कि मैं आपके साथ बेमानी करूं, क्योंकि बहुत ही गलत होता। इसलिए मैंने ये फ़ोन लाया हूं और ये मैंने 15 दिन यूज़ किया है और आज मैं रिव्यू कर रहा हूं, ताकि मुझे भी पहले मैं सेटिस्फाई हो जाऊँ, फिर मैं रिव्यू करूँ और आपको पॉजिटिव नेगेटिव दोनों पॉइंट्स में आपको बताऊँ। तो चलिए अब मैं शुरू करता हूँ, मगर शुरू करने से पहले मैं बस ये बता देता हूँ कि मैं प्रोफेशनल नहीं हूँ बिल्कुल, कि मुझे दिस इज माय फर्स्ट रिव्यू, सो मैं टेक्निकल रिव्यू की तरह बिल्कुल प्रोफेशनल नहीं हूँ। तो अगर मेरी कोई गलती होती है तो माफ़ कर दीजिएगा, और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो बिल्कुल करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, आप देख रहे हो मेरे हाथ में है iPhone 10K के कंसेप्ट का फ़ोन। तो चलिए मैं अब जल्दी से आपको ये इसकी अनबॉक्सिंग करता हूँ। और एक सवाल था जो किसी ने मुझसे पूछा था कि iPhone जो कंसेप्ट का ये जो बॉक्स मिलता है ये ओरिजिनल जैसा है या नहीं, तो चलिए मैं आपको बताया था बिल्कुल ओरिजिनल जैसा मिलता है। देख लीजिए फ्रेंड्स, आपको बिल्कुल ओरिजिनल जैसा ही मिल रहा है। और चलिए मैं आपको पीछे को दिखाया था, इसके पीछे जो लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ 256 GB इंक्लूड iPhone 10 ईयरपोड्स। तो इसमें बहुत कुछ फीचर जो मिलता है, इसमें सब कुछ पीछे लिखा हुआ है, आप यहाँ पर सब आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और यहाँ पर लिखा हुआ है डिज़ाइन बाय एप्पल इन कैलिफोर्निया। तो बिल्कुल ये कॉपी ओरिजिनल की तरह ही बनाई गई है, तो बेफिक्र हो जाइए बिल्कुल, मतलब इसमें सब कुछ वैसा ही है जो बिल्कुल एक ओरिजिनल में है। तो चलिए अब मैं आपको फटाफट सी अनबॉक्सिंग करके दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स, ये आ चुका है मेरे हाथ में, देख लीजिए अभी पैक है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये है iPhone 10K के कंसेप्ट का फ़ोन है जो इसके अंदर से निकल रहा है पहले ये है। तो चलिए मैं इसको साइड में रख देता हूँ और आपको दिखाता हूँ क्या क्या मिलता है इसमें आपको। और फ्रेंड्स, इसमें आपको मिलता है ये जो इसका मैं आपको बताता हूँ, ये सिंगल सिम फ़ोन होगा, उसमें आपको ये डालने के लिए सिम में जो ये पॉइंट की है सिम की, तो ये इसको आपको मिल जाएगी। और साथ में आपको ये चार्जर मिलता है इसमें आपको, और एयरपोर्ट्स मिलते हैं। और मैं ये बताता हूँ एयरपोर्ट्स ये वर्किंग में है, मैं ऑलरेडी चेक कर चुका हूँ, तो आपके वर्किंग में है। और ये आपको मिलती है USB डाटा केबल, तो ये भी बहुत अच्छी है, मैंने ऑलरेडी चेक किया। और मैं आपको अंदर और भी बताने वाला हूँ वीडियो में कि आपको कितना टाइम लेता है चार्जिंग में, नहीं तो चलिए आप बने रहिए, मैं आपको दिखाता हूँ अब मैं आपको। तो फ्रेंड्स, इसमें जो आपको बिल्ड क्वालिटी देख रहे हो, इसमें बहुत ही अच्छी बिल्ड क्वालिटी का फ़ोन बना हुआ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि KK की सबसे बड़ी पहचान मैं आपको दिखाता हूँ कि जो KK ये है ये फ़ोन, तो देख लीजिए आपको स्टिकर दिख रहा होगा KK कंसेप्ट का, ये तो यही इसकी सबसे बड़ी पहचान है कि ये फ़ोन KK कंसेप्ट का है। तो चलिए मैं आपको एक उतार के दिखाया था ताकि आपको देखिए, जैसे ये उतारूंगा मैं देखिएगा आप फ़ोन में, तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ फटाफट से। तो फ्रेंड देख लीजिए ये अब ये स्टिकर उतर गया और मैं बिल्कुल वैसा ही निकलेगा जैसे आईफोन ओरिजिनल होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, बिल्कुल आपको वैसा ही दिख रहा होगा। तो फ्रेंड देख लीजिए, बिल्कुल आपको वैसे कॉपी ही मिल रही है, तो आप बेफिक्र हो जाइए, इसमें आपको ओरिजिनल और कॉपी में पहचानना बहुत मुश्किल है। तो चलिए अब तो मैं इसको आगे बढ़ते हैं, अब कुछ और दिखाता हूँ। यहाँ आपको ड्यूल सिम कैमरा विद फ्लैश मिलता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ आपको बटन दिख रहे होंगे, वॉल्यूम रोकर बटन्स मिलते हैं आपको यहाँ पर वॉल्यूम के लिए। और यहाँ पर आपको एक और बटन आपको दिख रहा होगा वॉल्यूम के ऊपर बना हुआ है, इस बटन से आप फ़ोन को रिंगटोन और साइलेंट मोड में डाल सकते हो। तो बहुत ही अच्छा ये कॉपी बनाई गई है बिल्कुल ओरिजिनल के बराबर। तो आगे चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये है ऑन ऑफ का बटन दिया गया है ये आपको, जैसे ही मैं ये बटन दबाऊंगा ऑन हो जाएगा, और जैसे ही मैं दबाऊंगा तो ऑफ ही हो जाता है, यही बटन आपको ऑन ऑफ का बटन है। तो आगे चलिए मैं आपको फ़ोन खोल के आपको दिखाता हूँ मैं आपको क्या क्या मिलता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ मेरे को देख लीजिए, मैंने कैमरा मैंने आपको खोल के दिखा रहा हूँ, देखिए अभी बिल्कुल मैंने यहाँ पे लाइटिंग बहुत कम है, मगर ये बहुत ही अच्छा कैमरा है। मैं आपको इसमें अभी जब मैं आपको पूरा कैमरा पूरा इसकी वीडियोस में जो भी मैंने शूट करी है, फोटोज क्लिक करी है, मैं इस वीडियो में आपको आखिर में पूरा दिखा दूंगा, तो बेफिक्र रहिए, पूरा कैमरा क्लैरिटी आपको मैं दिखाने वाला हूँ इसमें। और इसमें सबसे बड़ी बात है, इसमें डेप्थ इफेक्ट बिल्कुल जो आईफोन 10 के ओरिजिनल में सारे इफेक्ट आपको मिलने वाले, स्लो मोशन सब कुछ आपको मिलने वाले हैं, तो बेफिक्र हो जाइए। चलिए मैं आपको अंदर दिखाता हूँ इसमें अंदर क्या क्या है। तो फ्रेंड्स, यहाँ चलिए हम सेटिंग में चलते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ सेटिंग में आपको क्या क्या मिलता है।
तो फ्रेंड्स यहाँ आपको सेटिंग में देखने को मिल रहा है, बिल्कुल देखिए एयरप्लेन मोड, वाईफाई, ब्लूटूथ, ये सब कुछ वर्किंग है, मैं ऑलरेडी चेक कर चुका हूँ। तो चलिए मैं आपको और आगे बढ़ते हुए दिखाता हूँ इसकी जनरल इन्फॉर्मेशन फ़ोन की। तो यहाँ जाते हैं अबाउट मी सेशन में, आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पे इसकी कैपेसिटी दे रखी है 256 GB, जो मतलब मैं ये कहूँगा कि 256 GB इसमें जो दी गई है वो इतनी अप्रोक्सीमेटली तो नहीं है, मगर इसकी मैंने कम से मैंने देखा कि इसकी 100 GB या 150 GB आपको देखने को मिल जाती है। और इसमें 3 GB की रैम होगी फ्रेंड्स, और आपको इसमें जो देख लीजिए आपको IMEI नंबर, ब्लूटूथ, आपको सारे इन्फॉर्मेशन यहीं से देखने को मिल रही है, सब कुछ इसी में। चलिए मैं आगे और दिखाता हूँ आपको और क्या क्या मिलता है आपको। तो इसमें जो मैं iPhone 10 का सबसे नया फीचर था फेस आईडी, तो मैं वो भी दिखाता हूँ आपको जिसमें दिख गया। और यहाँ पे अभी मैं उस फेस आईडी से पहले यहाँ पे देख रखे सॉफ्टवेयर अपडेट, तो 15 दिन मैंने यूज़ किया, मुझे अब तक कोई अपडेट तो नहीं आई, आई डोंट नो कि अपडेट आती है नहीं, मगर मुझे अब तक कोई नहीं मिली है। चलिए मैं आपको फेस आईडी दिखा देता हूँ इस फ़ोन की। तो यहाँ पे फ्रेंड देख रहे होंगे आप, यहाँ पे दिख रहा है ऑप्शन फेस आईडी एंड पासकोड को, तो यहाँ अंदर चलते हैं तो आपको दिखाता हूँ फ्रेंड्स। यहाँ पर आपको एपी पे का ये ऑप्शन है, आपको यहाँ पे क्लिक कर देना पहले, जो मैंने ऑलरेडी क्लिक करा है, जो मैंने खुद पे चेक किया था तो ये वर्क कर रहा है, क्योंकि जब मैंने बाय किया था फ़ोन तो मैंने पहले अपने पे ही लगाया था फेस आईडी, कि मैंने पासवर्ड चेक करा था कि अपने फेस आईडी पे लगा के चेक किया, फिर मैंने दूसरे पे अनलॉक करने की कोशिश की तो ये अनलॉक नहीं हुआ, ये सिर्फ मेरे फेस पे ही अनलॉक हुआ था। दिखा दीजिए, मैं आपको दिखा दूँ, देख लीजिए यहाँ पे सेटअप फेस आईडी में। तो फ्रेंड्स आपको जाना है सेटअप फेस आईडी पे, तो देखिए अब आपसे ये मांगेगा फेस सेटअप करने के लिए। जैसे ही मैं अपना फेस यहाँ शो करूंगा तो ये यहाँ पर जाके धीरे धीरे मेरे फेस को रिकॉग्नाइज करेगा और लॉक कर देगा बिल्कुल। फ्रेंड्स आगे बढ़ते मैं आपको और दिखाता हूँ इसको कुछ और भी फीचर्स जो मुझे अच्छे लगे थे। देखिए मैंने यूजी ब्राउजर इसमें डाउनलोड करा था और एक सॉन्ग डाउनलोड करके मैंने करा था, जो मैं आपको म्यूजिक सुना देता हूँ जो मैंने डाउनलोड किया है, तो आप एक बार इसका म्यूजिक भी सुन लीजिए ताकि आपको पता चल जाए इसकी साउंड क्वालिटी कैसी है। तो मैं थोड़ी इसकी वॉल्यूम बढ़ा देता हूँ फ्रेंड्स। फ्रेंड्स यहाँ पे डबल स्पीकर दिए गए हैं आपको, तो यहाँ पे आपको डबल स्पीकर्स मिल जाते हैं और साउंड क्वालिटी आपने सुन लिया बहुत ही अच्छी है और बहुत ही इंप्रेस है कि आपको मुझे काफ़ी इंप्रेस कर दिया साउंड क्वालिटी में। तो चलिए मैं आपको ये साउंड क्वालिटी आपने सुन लिया तो मैं कुछ और दिखाता हूँ आपको। अगर बात करें इसमें अब फ्रेंड्स ऐसे कुछ है तो नहीं, मैं आपको जो कैमरे की जो है बैटरी, तो फ्रेंड्स मैं आपको बैटरी भी दिखा देता हूँ इसकी बैटरी कैसी है। तो फ्रेंड्स यहाँ चलते हैं इसकी बैटरी के बारे में आपको देखिए। फ्रेंड्स यहाँ पर इन्होंने बैटरी का ऑप्शन दिया गया, मैं बैटरी का आपको दिखाता हूँ। देखिए इसमें अभी 30% बैटरी बची हुई है, नोट चार्जिंग दिखा रहा है, तो 30% बैटरी अप्रोक्सीमेटली 24 hours लेफ्ट। अगर मैं इसे स्टैंड बाय पर रख दूँ तो ये 22 घंटे चल सकता है। और मैंने सीरियसली मैं आपको बताया था अपना एक्सपीरियंस में कि मैंने जब ये चार्ज पे फ़ोन लगाया था तो ये 3 घंटे 10 मिनट के अंदर फ़ोन चार्ज हो गया था और बहुत ही अच्छा मेरा चला है, पूरा दिन निकाल देता है मेरा स्टैंड बाय पर, तो आराम से। सो फ्रेंड्स आप बिल्कुल चिंता मत हो जाइए बैटरी के बारे में, तब भूल जाइए, बहुत ही अच्छी बैटरी दी गई है इसमें। और बात है सर बची है कैमरे की, तो मैं कैमरे में आपको ऑलरेडी कह चुका हूँ कि मैं कैमरे की फोटोज और वीडियो इस फोन में आपको जब मैं लास्ट में आपको मेरी दिख जाएगी है। तो सो फ्रेंड्स अगर आपको ये फोन पसंद आया और अगर आप ये फोन लेना चाहते हो मुझसे, तो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा मेरा ये व्हाट्सअप नंबर और मेरी ईमेल आईडी, तो मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए, ईमेल आईडी कर दीजिए और मैं आपको ये फोन कुरियर कर दूंगा। तो अगर ये आपको वीडियो पसंद आई है तो फ्रेंड्स प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले, और अगर आपको कोई और फोन का रिव्यू करवाना चाहते हो मुझसे तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल ना भूले। एंड थैंक यू फ्रेंड्स सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। Have a confession that you're my obsession. You're passing through me. The blood is rushing and I am trusting. You'll come save me. My knees are feeling weak. Your body's close to me. इस वक्त शाम के 7 बज रहे हैं और देख लीजिए आप वीडियो की क्लैरिटी कैसे हो रही है, आप देख लीजिए शाम के 7 बजे पड़े और अभी भी बहुत ही अच्छी क्लैरिटी मिल रही है हमें देखने को। तो मैं ये कहूँगी iPhone 10 इसकी जो कॉपी है इसकी भी बहुत अच्छी है, कैमरे क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है, मगर एक देखा जाए तो नॉर्मल लेवल, अगर ये शाम के 7 बजे हमें इतनी अच्छी क्लैरिटी मिल रही है तो सोच लीजिए सुबह डे लाइट में हमें कितनी अच्छी क्लैरिटी मिलने वाली है। तो मेरे को ये कहूँगा कि इस कॉपी के लिए मैं इसे थम्स अप कहना चाहूँगा, iPhone 10 की कॉपी बहुत ही अच्छी लगी मुझे। देखिए अब शाम के 7 बज रहे हैं और
बहुत ही अच्छी लाइटिंग दे रहा है हमें।